कोरोना वायरस क्या कम खतरनाक था जो अब इसका नया खतरनाक रूप कोरोना स्ट्रेन का कहर लगातार बढ़ रहा है। ये स्ट्रेन कोरोना वायरस से दो गुने तेजी से फैलता है और इसके इफेक्ट खांसी जुखाम से कहीं ज्यादा बढ़कर है। नमस्कार, मैं हूँ जया दायमा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंद नाउ में। कोरोना के नए वेरिएंट का साइड इफेक्ट दिमाग के साथ साथ शरीर पर ऐसा असर डालता है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंगों को काटना तक पड़ सकता है। कोरोना स्ट्रेन का साइड इफेक्ट किस तरह का है और कहां पर इस नए वेरिएंट के केसेस दर्ज किए गए हैं, जानिए हमारे इस वीडियो में। बीते साल कोरोना की महामारी ने दुनिया में दस्तक दी, जिसने पूरी दुनिया में जबरदस्त तबाही मचा दी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भारत में भले ही संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन कुछ देशों में स्थिति बद से बदतर है, और वो इसीलिए क्योंकि कोरोना के बीच कोरोना के खौफनाक रूप ने इटली में दस्तक दी है, जिसके चलते एक महिला की उंगलियां गैंग्रीन नामक बीमारी का शिकार हो गई। महिला की उंगलियां पूरी तरह से काली पड़ गई, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इतनी खराब हालत को देख डॉक्टर्स को इस महिला की उंगलियों को काटना पड़ा। जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि खून जमने की वजह से महिला की उंगलियों को काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वही बता दे, महिला की उम्र करीबन 86 साल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की शिकार हुई थी, जिसके चलते उन्हें साइड इफेक्ट का शिकार होना पड़ा। हालांकि हैरानगी की बात ये है कि पीड़ित महिला पिछले साल अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव और तकरीबन 9 महीने बाद जाकर उन्हें साइड इफेक्ट ने घेर लिया। बता दे, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला था, जिसके बाद इसकी पहुंच दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंच गई। कोरोना महामारी और इसके नए स्ट्रेन को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जनता नियमों का पालन ठीक से करती है, जैसे कि मास्क पहने, हाथों को बार बार साफ करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे, ताकि इसकी चपेट में आने से आप सभी लोग बच सके। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि हम जितना ज्यादा इसे फैलने देंगे, उतने ही ज्यादा इसके म्यूटेशंस होंगे, इसीलिए नियमों का पालन करें ताकि इसके स्ट्रेन को कंट्रोल किया जा सके। वहीं बात करें कोविड वैक्सीन को लेकर, तो सभी के मन में सवाल है कि क्या इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन काम करेगी या नहीं। तो ऐसे में साइंटिस्ट का कहना है कि उम्मीद की जा सकती है कि नए वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन इफेक्टिव साबित होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोविड 19 का अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर होता है। कुछ लोगों को इस वायरस की चपेट में आने के बाद खांसी बुखार होता है, तो वहीं दूसरों को सांस लेने में तकलीफ की होने की वजह से अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों और इम्यून सिस्टम पर तेजी से असर डाल सकता है। वहीं कुछ मामलों में देखा गया है कि सांस लेने में दिक्कत और थकान कई महीनों तक बनी रहती है। अब जाहिर सी बात है कि जब बीमारी का इफेक्ट अलग है, तो वैक्सीनेशन का इफेक्ट भी अलग होगा। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें, साथ ही अपनी बारी आने पर टीकाकरण जरूर लगवाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे हिंद नाउ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रह सके।